नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। इस वक्त मैं मौजूद हूं खारिया में और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जिला परिषद का जोन नंबर 6 है और कल चूँकि चुनावी प्रचार है वो बंद हो गया है और हमारे साथ इस वक्त इनेलो के प्रत्याशी हैं करण चौटाला। हम उनसे चर्चा करते हैं। करण जी, प्रचार चूँकि कल समाप्त हो गया है, पूरे गाँव में, पूरे इलाके में, ढाणियों में आपने जनसंवाद किया, लोगों से मिले, कोई ऐसा मतदाता छूट तो नहीं गया जिनसे आप नहीं मिले या वोटों की अपील नहीं कर पाए? देखिए, हमने तो अपनी तरफ से सारे प्रयास करे हैं और सबसे जहाँ तक हमें जानकारी है हमने सबसे जनसंपर्क कर लिया। कोई भूल चूक में अगर रह गया हो तो कोशिश है आज शाम तक भी उससे संपर्क कर लेंगे। वैसे जहाँ तक हमारा आईडिया ऑफिस से हमने पता करवाया, सारे गाँव में तकरीबन सब जगह जनसंपर्क हो चुका है। तो लगभग रुझान पता चल गया होगा कि क्या कुछ रहने वाला है कल चुनाव में, कल मतदाता जो वोट डालेंगे? हाँ, बहुत अच्छा रुझान रहेगा, आशीर्वाद मिल रहा है बुज़ुर्गों का, साथियों ने बड़ा सहयोग किया जैसे डोर टू डोर में और में। बाकी कल का फैसला जनता के हाथ में है। मैं तो आपके माध्यम से अपील करूँगा कि अपना वोट ऐनक पर दे करके विजय बनाएं, क्योंकि आप यहाँ से हमारे को सिर्फ मेरे को मजबूत नहीं करेंगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को वो ताकत देंगे, क्योंकि वो भी पूरे हरियाणा के अंदर जा कर के आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये जब सिरसा ज़िला एकजुट होकर के उनको मजबूत करेगा तो ये उनको विश्वास होगा कि फिर हरियाणा की जनता भी इस चीज़ को देखेगी। तो करण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस बड़े मुद्दे को लेकर के ये चुनाव लड़ा गया? आपने लोगों के बीच आप गए, लोगों ने भी आपको कुछ समस्याएं बताई, लेकिन बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं कि ये चुनाव है वो इस मुद्दे पे टिका रहा? देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कोई एक सिर्फ एक मुद्दा नहीं है जो, हाँ, साझा मुद्दा एक यहाँ पे है जो सारे इलाके का है, वो नशे का है। उसके अलावा हर गांव में छोटी छोटी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, तो हमने सारी सुनी है, हमने उनसे उनको इस बात का विश्वास दिलाया है कि जैसे ही यहाँ से आप जिता करके भेजेंगे उसके बाद प्रमुख बनने के बाद भी उनकी सारी समस्याओं पर समाधान किया जाएगा। तो प्रमुख बनने की बात कह रहे हैं कि पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इनेलो परचम लहराएगी सभी जोन में या बहुमत तक पहुंचेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप मान करके चलें 24 की 24 सीट जीत करके निकालेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ करण चौटाला, जो जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हैं और चूंकि चुनावी प्रचार बंद हो चुका है, अब डोर टू डोर और जिन लोगों से संपर्क नहीं हुआ है उन लोगों से संपर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।